स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नेचुरल केयर प्लस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने अनचाहे बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके अनचाहे बाल एक बार चले तो जाएंगे लेकिन वापस कभी आपके लौट कर नहीं आएंगे। दोस्तों अनचाहे बालों की समस्या चाहे लड़का हो या लड़की दोनों को काफ़ी परेशान करते हैं। अनचाहे बालों को काटने के लिए लोग रेज़र का या फिर शेवर का यूज़ करते हैं लेकिन उनके कारण और वो बाल मोटे और कड़े आने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगा उस नुस्खे के पहले प्रयोग से ही आपके अनचाहे बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपके अनचाहे बाल हमेशा के लिए ख़त्म होंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल नेचुरल केयर प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ उसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों अनचाहे बालों को हटाने के लिए 90% लोग इंडिया में वीट का यूज़ करते हैं, यानी नीचे के बालों को साफ करने में लोग वीट का यूज़ करते हैं। दोस्तों वीट का इस्तेमाल करने से बाल चले तो जाते हैं लेकिन कुछ ही समय में वापस लौट कर आ जाते हैं। वीट मार्केट में 50 से 60 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फिर जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों लेकिन वीट के अंदर हम आज ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिससे आपके अनचाहे बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों वीट को हम खोलेंगे। दोस्तों वीट के बार बार उपयोग से आपकी स्किन काली हो सकती है, आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊँगा उस नुस्खे के बाद आपको वीट को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए मैं खाली बाउल ले रहा हूँ और इसमें इतनी वीट लूँगा जितनी कि हमारे बाल आसानी से उस पर लग जाए, इतनी वीट मैंने इसमें ली है। दोस्तों अब जो इसके अंदर हम चमत्कारी नुस्खा मिलाने वाले हैं, जो चमत्कारी इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं वो है दोस्तों फिटकरी का पाउडर। दोस्तों फिटकरी आपको किसी भी जनरल स्टोर पर 10 से 15 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका पाउडर भी आता है और यह पत्थर के रूप में भी मिलती है, तो मैंने इसको पीस लिया है अच्छी तरीके से और हम इसके अंदर इसे डालेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे इतना जितना कि हमने पेस्ट लिया है और आसानी से इसका पेस्ट बन जाए। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों जब हम इसे मिक्स करेंगे तो इसका कलर थोड़ा चेंज होगा, यानी ये थोड़ा पर्पल कलर का हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, ये फिटकरी का नेचुरल कलर है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों फिटकरी हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है जिससे जो नए बाल वापस आने की करते हैं वो नहीं उग पाते हैं और वो वहाँ पर अवरोध पैदा हो जाता है जिससे नए बाल कभी नहीं उग पाते। दोस्तों फिटकरी का प्रयोग पहले के ज़माने में बहुत किया जाता था। पुराने ज़माने में जब कोई शेवर या फिर कोई क्रीम नहीं होते थे उस वक्त सिर्फ फिटकरी का यूज़ करके ही अपने नीचे के बालों को साफ़ किया जाता था। तो दोस्तों ये हमारा नुस्खा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे किस तरह से लगाना है। दोस्तों इसे लगाने के लिए लोग स्पैचुला का यूज़ करते हैं, आप हाथ का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको डेमो देने के लिए यहाँ पर इस चम्मच का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वीट के साथ जो स्पैचुला आता है आप उसी का यूज़ करेगा तो बेटर रहेगा। दोस्तों इस तरीके से आपको अपने अनचाहे बालों की जगह पर अप्लाई करना है। इस तरीके से ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से आपको इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लगानी, इतना लगाना है कि सिर्फ आपके बाल उसमें कवर हो जाए। दोस्तों इसे लगा के आपको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों 15 से 20 मिनट के लिए इसे आपको रख देना है। दोस्तों अगर आपको अपनी स्किन पर जलन महसूस हो तो आप इसे जल्दी भी धो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीट काफ़ी लोगों को सूट नहीं करती है। अगर आपकी स्किन पर जलन महसूस हो तो आप उसे वीट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।